इफ बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ एच एफ इज 0.92 एंगस्ट्रॉम, ठीक, एंड डाइपोल मोमेंट इज 1.91 डिवाइड, देन परसेंट आयनिक करेक्टर इज, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें अपने को देखना है इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, इसमें कैलकुलेशन किस टाइप से करना है इसमें अपने को देखना है। परसेंट आयनिक आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू, अपने को फॉर्मूला ये जो होता है ये होता है म्यू ऑब्जर्वेबल और म्यू कैलकुलेशन, ये म्यू क्या है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है, इनटू 100 कर देते हैं तो परसेंट आयनिक करेक्टर अपने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो देख लेते हैं, डाटा में दिया गया है म्यू ऑब्जर्वेबल, ये दिया हुआ है, ये दिया है 1.91 डिवाइड, ठीक, और म्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, म्यू कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे क्यू इंटू डी, ठीक, डी यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस होता है, बंध दूरी होता है, जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, डी इज इक्वल टू दिया है 0.92 एंगस्ट्रॉम, ठीक, तो डी को हम लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 10^-8 cm, ठीक, इस प्रकार से इसका वैल्यू होगा 10^-10 मीटर या तो 10^-8 cm, ठीक। अब यहाँ पर जो क्यू है एच एफ के लिए क्या लेना है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो डिवाई का जो वैल्यू होता है d इज इक्वल टू, ये d का वैल्यू होता है 10^-18 ई एस यू सी एम, ये होता है इसका वैल्यू, ठीक। तो ये जो q है उसको अपने को ई एस यू वैल्यू में लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर cm ले चुके हैं ई एस यू वैल्यू में, तो q का जो वैल्यू होता है ई एस यू वैल्यू में ये होता है 4.8 × 10^-10 ई एस यू, ठीक। एक ऑप्शन एक डाटा ये है, एक डाटा ये वाला है, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा म्यू कैलकुलेशन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो म्यू ऑब्जर्वेबल का वैल्यू अपने को दिया गया है 1.91 d, और ये हो जाएगा 4.8 × 10^-10 इंटू, ये हो जाएगा 0.92 × 10^-8 cm, ठीक। तो अब यहाँ पर 10^-10 और 10^-8 बेस सेम है, घात समान है, घात को जोड़ दिया जाता है, 10 और 8 हो जाएगा 18 − 18 मतलब यह हो जाएगा d, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 1.91 4.8 × 0.92 और यह हो जाएगा 10^-18, इसको हम लिख सकते हैं अब d, ठीक, ऊपर में भी d नीचे में भी d, d कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सॉल्व करने पर फाइनली आंसर अपने को क्या मिल जाएगा 43, तो ये 43 मिल रहा है, मतलब ये क्या मिलेगा अपने को 43%। ऑप्शन में चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन में ही दिया गया 43%, जो कि इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक।